सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर है राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ अजमेर है। आज हम हमारे जो बी ए पार्ट फर्स्ट के जो विद्यार्थी है राजनीति विज्ञान के, उनका के लिए एक टॉपिक है न्यायपालिका, और ये सेकेंडरी विद्यार्थी के लिए भी काम आ सकता है। ये एक तरीके का कंपटीशन की एग्ज़ाम, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी हमारे, उनके लिए भी ये एक अच्छा टॉपिक है, क्योंकि हम जिस माहौल के अंदर आज रह रहे हैं और जिस तरीके की शासन व्यवस्थाएं आज हमारे सामने काम कर रही है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलेगा कि हमारा सरकारों से हमारा मोह भंग होता जा रहा है, और कई बार सरकारें फेल होती है और वहाँ पे जुडिशरी बीच में आ जाती है। कई बार वर्तमान सरकारें जब अपना कार्य करने में असफल हो जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट उनको डायरेक्शन देता है, उनको निर्देश देता है, उनको आदेश देता है, उनको कहता है कि आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका का भारत की जो वर्तमान न्यायपालिका की स्थिति है वो है 30+1, यानी जो 31 मेंबर है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या है, एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश, और 65 ईयर तक वो अपनी जो सेवाएं हैं उनका निर्वहन करता है। लेकिन बीच में भी अगर कोई न्यायाधीश अगर संविधान के खिलाफ या कोई किसी चीज़ में लिप्त पाया गया या कोई उनके ऊपर ऐसी तरीके का एलिगेशन है, तो उनको माफियों के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। ये भारत की जुडिशरी की स्थिति है। भारत की जुडिशरी को भारत के संविधान निर्माताओं ने ही इतना पावरफुल बनाया कि हमारी जो आज जो संस्थाएं हैं, हमारी जो एक भारत में लोकतंत्र कितना परिपक्व हुआ और कितना नहीं हुआ, ये एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन हमारी संस्थाएं इतनी मजबूत है कि आज हम जो फेयर इलेक्शन करवा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और बहुत सारे ऐसे आदेश है कि सरकारों को झुकना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही आप उनको मानना पड़ा। ये आपको पता होगा, अब्दुल गुरु के केस में रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खुला, यानी आपका न्याय का द्वार 24 घंटे के लिए आपके सामने है। इसके अलावा बहुत लंबे समय से पेंडिंग केस था अयोध्या का, सुप्रीम कोर्ट में वो केस गया, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश हुआ, सारे जो हमारे धार्मिक समुदाय के लोग हैं सब ने उसको एक्सेप्ट किया। ऐसे बहुत सारे केसेस है, 3 तलाक का मामला है, CCA का मामला है, और बहुत सारे हैं। ये सारे के सारे जो मैटर है, ये कई बारी जब सरकारें हैंडल नहीं कर पाती है तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, और सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है वो अंतिम डायरेक्शन माना जाता है। तो ये हमारी जुडिशरी का एक है, भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति का कार्य, नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। उसके बाद में है कि न्यायपालिका का क्या कार्य है। न्यायपालिका का के न्यायाधीश की नियुक्ति हो गई, उनकी योग्यता होगी, 10 साल तक वो वकालत करा हो या वो कहीं हाईकोर्ट के अंदर जज रहा हो, वो उसका चरित्र अच्छा हो, उसकी कार्यशैली रहा, तो भारत का राष्ट्रपति उसको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में उसको नियुक्त कर सकते हैं। ये उसके बाद कार्यशैली है, उसके कार्य क्या, एक तो क्या कि सबसे बड़ा तो ये कि भारत की जो न्यायपालिका है उसको न्यायपूर्ण अवलोकन का पावर मिला हुआ है, और आजकल तो न्यायिक सक्रियता की बात कर रहे हैं हम जनहित याचिकाएं के बारे में, और आज की डेट में तो न्यायपालिका इतना पावरफुल है कि एक पोस्ट कार्ड, एक अखबार की न्यूज़, एक अखबार की कटिंग के को ही जनहित याचिका मानते हुए कई बारी सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को आदेश दिया और सरकारों ने आदेश को मानना पड़ा। इसके अलावा कई बारी इलेक्शनों को लेके मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, स्टेट स्टेट की रिलेशन को लेके मैटर सुप्रीम कोर्ट जाता,
अभी पिछले साल जो सेंट्रल गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 का जो अमेंडमेंट किया गया, उस अमेंडमेंट को चैलेंज करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। तो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट जा सकती है, व्यक्ति जा सकता है, एक दो स्टेट जा सकते हैं, राजनीतिक दल जा सकते हैं, कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का द्वार हमेशा खुला रहता है। तो हमारी जो न्यायपालिका वो इतनी मजबूत है कि बहुत सारे देशों के सामने एक एक मॉडल है, मॉडल है। और जो कई बारी व्यवस्थापिका ने कोई संविधान के विपरीत कोई कानून बना दिया, उसको वो अनलीगल घोषित कर सकता है। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में ये कहा कि आप संविधान के मूल ढांचे के साथ में कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। यानी मूल ढांचा क्या, आप मौलिक अधिकारों को ख़त्म नहीं कर सकते, आप पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसको ख़त्म नहीं कर सकते, भारत के संविधान में जो उल्लेख किया गया, भारत की संविधान की प्रस्तावना में आप संशोधन नहीं कर सकते। ये मूल हमारा जो ढांचा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे दी। ये हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उस वो इतना पावरफुल हम मानते हैं। आप बताएं, अमेरिका के अंदर सबसे पहले 1803 के अंदर एक मारबरी मेडिसिन केस आया, सबसे पहले वहाँ पे न्यायपूर्ण अवलोकन का केस जिसको मानते हैं हम, वो हमारा सामने देखने को मिलता है। तो ये बहुत सारे केसेस है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो न्यायपूर्ण अवलोकन और न्यायिक सक्रियता में तो ये स्थिति हो गई कि आज सुप्रीम कोर्ट पर्यावरण से लेके, नदियों से लेके, इलेक्शन से लेके, एजुकेशन से लेके, हमारा कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने छुआ नहीं हो। और तो छोड़ो, धार्मिक जो हमारा हमारा व्यक्तिगत मुद्दा है वो भी अगर सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर भी कई बारी वो वहाँ पर भी डायरेक्शन देता और सरकारों को इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता। धन्यवाद।